देश पूरा गुस्सा महाराष्ट्र आए किसान का भी बड़ा जनसैलाब देख लीजिए यहाँ पर। मुझे एक चीज समझाना, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पे सीधा सीधा बात है, जब आपको सरहद पे शहीदों की जरूरत होती है तो हमारे पंजाबी भाइयों के सर काटे जाते हैं, जब आपको आजादी की लड़ाई चाहिए होती है तो हमारे भगत सिंह को लटकाया जाता है, और जब यही किसान अगर अपना किसान की कीमत मांगे, अपनी रोजी रोटी का कीमत मांगे, तो आपको ये खालिस्तानी लगते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा दोगलापन छोड़ दीजिए सरकार को, और जितना जल्द आप ये समझ जाए कि आपको ये बिल वापस ही लेना है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अड़े हुए हैं, हमारे बाबूजी, हमारे जो किसान भाई हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ का सबसे अनुभवी खिलाड़ी है इस देश का, जिसने किसान, जिसे हम कहते हैं जो 70-80 साल के हैं, वो लठ लेके बैठे हैं मोदी जी। सीधी सीधी बात है, हम यहाँ मार खाने आए हैं, गोलियां खाने आए हैं, आप हम पे लाठियां चलाइए, हमें पानी बरसाइए, लेकिन हम इससे कम में कोई समझौता होने का कोई उम्मीद नहीं है। पंजाबी देख लीजिए यहाँ पर आना ठीक, लोगों में भयंकर उफान, किसान आंदोलन तेज, पूरा गुस्सा महाराष्ट्र आए किसान का भी बड़ा जनसैलाब देख लीजिए यहाँ पर। भाई इनके बाप को भी लेना पड़ेगा वापस, उनके हालक में हाथ डाल के ये बिल वापस लिया जाएगा, इतने हल्के में मत ले, वो अगर 6 महीना तैयार है तो हम भी गोली खाने को तैयार है 6 महीने। देख लीजिए जलता तस्वीर, मोदी सरकार की अर्थी बताई जा रही है, लोगों का गुस्सा जो है लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तमाम लोग महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, हरियाणा, बिहार के लोग जो हैं आज सिंधु बॉर्डर पे हैं। मोदी का पुतला दहन किया गया है यहाँ पे, उसमें से कुत्ते की मुंह वाली हड्डी निकली है बाहर, देखिएगा। सर ये बहुत खूबसूरत है, इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, जिस तरह से सांकेतिक तौर पे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका जा रहा है, ये किसानों का आक्रोश है, और इसमें हम सभी महाराष्ट्र के जो किसान है वो सब भी सम्मिलित हैं और पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और जिस तरह से अभी यहाँ पे जो सांकेतिक चीजें हो रही हैं वो किसान हित में, और जब तक बिल वापस नहीं होगा यह आंदोलन और उग्र और चलता रहेगा। आज 2 बजे मीटिंग थी, कोई समाधान नहीं निकल पाया, आज भी विफल हो गया। इनसे कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम दिल्ली में नहीं घुसेंगे तब तक ये सारी चीजें रुकती रहेंगी। हमारे किसान नेता गए हैं, वो जो आके निर्णय देंगे उस पे हम सारे महाराष्ट्र के किसान, यहाँ के किसान सारे एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं, संविधान के दायरे में रहते हुए हम लाठियां खाने आए हैं, पानी की बौछारें झेलने आए हैं, हम लड़ेंगे, संविधान के दायरे में लड़ेंगे, लेकिन ये सरकार से हमें एक रत्ती भर का भी अपेक्षा नहीं है कि इनसे हमें कुछ मिल पाएगा। कोई विकल्प नहीं है किसानों के साथ पास? सर हमारा सीधी सीधी मांग है कि बिल वापस होने के अलावा कोई दूसरी हमारी कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, इनको बिल वापस करना एकमात्र ऑप्शन है, सरकार जितनी जल्दी समझ जाए अच्छी बात है। ये पुतला दहन करने से, अर्थी निकालने से समाधान निकलेगा सर? सर ये हमारा गुस्सा है सांकेतिक तौर पे, हमें इतने दिनों से यहाँ पे रोका गया तो हम क्या करेंगे, हमारे जहाँ पे जा रहे आखिर चार पांचवी बैठक है, आज क्यों फैसला नहीं आ रहा है? अगर सरकार अगर चाहती थी फैसला लाने के लिए तो कब का ला दी होती, लेकिन आज ये जो स्थिति आई है ये कहीं ना कहीं हमारे गुस्से का एक प्रतीक है। तमाम सिख समुदाय, पंजाबी समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद है, इस बीच विनय दुबे ने जिस तरीके से लगातार कहा, अच्छा एक बात बताइए विनय जी, क्या ये जो पर्सनली मोदी जी ने इसको ईगो ले लिया, इगोस्टिक ले लिया मोदी जी ने? सर वो बात नहीं मान रहे, देखिए वो मूडी आदमी है, उनके मतलब है वो अपना पक्ष देखे, किसानों की जो बात है, किसान अड़े हुए हैं कि ये बिल वापस होना चाहिए, उससे हमें कम से कोई हमारा समझौता नहीं होना है। नहीं हुआ तब क्या, लड़ाई चलती रहेगी, और यहाँ पे 6-6 महीने का राशन लेके हम लोग आए हुए हैं भैया, जब लॉकडाउन कर सकते हैं हम 6 महीना घर पे बैठ सकते हैं भूखे प्यासे, तो हक के लिए बैठने में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, हम लड़ेंगे इसको लेके। किसान क्या मैसेज देना चाहता है इस मौके पे, महाराष्ट्र किसान पूरे आंदोलन के साथ में, हम करीबन 1200 लोग आए हैं पिछले 2 दिनों में, और लगातार हम महाराष्ट्र के जो साथी हैं, किसान भाई आपके हैं, हम सब साथ हैं, और इस आंदोलन में तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, उससे कम में कोई समझौता कर नहीं सकते। नो फार्मर नो फूड बैनर तरह जो। सर मुझे एक चीज समझाना, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पे सीधा सीधा बात है, जब आपको सरहद पे शहीदों की जरूरत होती है तो हमारे पंजाबी भाइयों के सर काटे जाते हैं, जब आपको आजादी की लड़ाई चाहिए होती है तो हमारे भगत सिंह को लटकाया जाता है, और जब यही किसान अगर अपना किसान की कीमत मांगे, अपनी रोजी रोटी का कीमत मांगे, तो आपको ये खालिस्तानी लगते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा दोगलापन छोड़ दीजिए सरकार को, और जितना जल्द आप ये समझ जाए कि आपको ये बिल वापस ही लेना है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अड़े हुए हैं,
हमारे बाबूजी, हमारे जो किसान भाई हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ का सबसे अनुभवी खिलाड़ी है इस देश का, जिसने किसान, जिसे हम कहते हैं जो 70-80 साल के हैं, वो लठ लेके बैठे हैं मोदी जी। सीधी सीधी बात है, हम यहाँ मार खाने आए हैं, गोलियां खाने आए हैं, आप हम पे लाठियां चलाइए, हमें पानी बरसाइए, लेकिन हम इससे कम में कोई समझौता होने का कोई उम्मीद नहीं है। पंजाब के और हरियाणा के किसान, अगर कोई सीखना चाहता है तो कंगना रनावत जी से सीखिए। फटे में पैर डालकर अपनी प्रसिद्धि कैसे पाई जाती है, कंगना जी से सीखिए। जिस तरह से उन्होंने किसान की महिलाओं को 100 रुपए में आकर वहां बैठने वाली बताया था, बाजारू औरत कहा था, वो केवल इस धरती पर, इस भारत में कंगना जैसी औरत ही कर सकती है। इनको हर महिला अपने जैसी लगने लगी है। तो आज आपके इसी सवालों पर मैं आज मुलाकात कराने जा रहा हूं आप तमाम लोगों को कंगना रनावत जी से। जी हां, आपने सही सुना, मेरे साथ इस समय कंगना रनावत जी हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उनसे हम सवाल करेंगे कि आखिर इस तरह का बर्ताव वो क्यों करती हैं। तो आइए, मैं अपने रूम में बुलाना चाहूंगा कंगना रनावत जी को। आइए हम सब मिलकर आमंत्रित करते हैं कंगना जी को। उनको मैंने आमंत्रित किया है, वो आ गई हैं। तो दोस्तों, मैं मिलाना चाहता हूं, मेरे साथ हैं इस समय कंगना रनावत जी। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी मानसिक हालत ठीक है। कंगना जी, क्या आप बताएंगी कि आखिर आपने ये बयान क्यों दिया था? ओहो, कंगना जी थोड़ी सी बिजी चल रही हैं, अपने असली औकात पर आ गई हैं। कंगना जी, कैसा महसूस हो रहा है? 100 रुपए में अगर किसान की औरतें सड़कों पे बैठी हैं, तो देखिए इस देश ने आपको कहां पहुंचा दिया है। वाकई में ये आपकी असली जगह है, क्योंकि जो दिमाग में भरा होता है वो यहीं डाला जाता है, और आप इस समय उसी जगह पर हैं जो आपकी असली जगह है। तो आइए कंगना जी को हम रवाना करते हैं उनकी असली जगह गटर में। पूरा देश ये चाहता है कि इस तरह की गंदगी को फ्लश कर दिया जाए। बाय बाय कंगना। मैं क्षमा चाहूंगा, कंगना जी थोड़ी सी गुस्सा हो गई और हमारे बीच से, इस वीडियो से चली गई हैं। मैं कहना चाहता हूं उस बेगैरत इंसान से, औरत से, तेरी असली जगह यही है बेटा। तू जिस तरह से अपने मुंह से हग रही है, बहुत जल्द तेरी जो असली जमीनी हकीकत है वो यही फ्लश है, और पूरा देश तुझे जल्द से जल्द फ्लश करेगा। आपको मानसिक हालत खराब होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। कंगना जी भी एक किसान है। मैं पूछना चाहता हूं देश से, उनकी खेती को कौन जोतना चाहेगा? लेकिन कंडीशन एक ही है, बैल मजबूत होना चाहिए। किसान आंदोलन चलता रहेगा, और तुम्हारे जो बाप दिल्ली में बैठे हैं उनको बोलिएगा, अगर वो एक बाप की औलाद हैं, तो इन किसान भाइयों को, उन महिलाओं को रोक के दिखाएं। हम सब युवा, पूरा देश अपने किसान भाइयों के साथ हैं, क्योंकि हम रोटी और अन्न खाते हैं, तुम्हारे जैसे गु नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।